कर्नाटक के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और विधानसभा चुनाव में बजरंग दल, बजरंग बली से लेकर फिल्म द केरल स्टोरी के मुद्दे छाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक दिन पहले कर्नाटक के बेलारी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए द केरल स्टोरी का जिक्र किया था और विपक्षी कांग्रेस पार्टी पर जमकर हल्ला बोला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि कर्नाटक में चुनाव जरूर है, लेकिन पाकिस्तान आकर आतंकियों ने हमारे 5 जवानों को मार दिया। ओवैसी ने कहा कि मणिपुर जल रहा है। उन्होंने मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा कि गांव चर्च जल रहे हैं। ओवैसी ने द केरल स्टोरी का नाम लिए बिना कहा, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो गंदी पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं और कर्नाटक चुनाव में फायदा लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फिल्म प्रमोट कर रहे हैं और उधर पाकिस्तान हमारे सैनिकों को मार रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो झूठी मूवी है, हमारा बुर्का दिखाकर सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं ये लोग। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नफरत फैला रहे हैं, पीएम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना नीचे गिर गए हैं, वे कौन सी चीज की सजा देना चाह रहे हैं। ओवैसी ने कहा सिर्फ भाषण मत करो और पाकिस्तान को रोको कि वो आकर हमारे सैनिकों को ना मार पाए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री इसे लेकर कुछ करे। ओवैसी का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक की चुनावी जनसभा में फिल्म द केरल स्टोरी का जिक्र किए जाने को लेकर आया है।